नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज है बुधवार। एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा उपाय आपको बताने के लिए जा रही हूँ। इस उपाय को अगर आप बुधवार बुधवार करते हैं तो आपके बुध मजबूत रहेंगे। कोई भी चीज बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए तो भी तकलीफ देती है, लो हो जाए तो भी तकलीफ देती है। हर चीज में एक प्रमाण होना, एक लेवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना ही इसका लेवल हो तब तक वो ठीक रहता है ना? आपने देखा होगा कई लोग बहुत बुद्धिशाली होते हैं और लोग उनसे इरिटेट होने लग जाते हैं। जो सिर्फ हर निर्णय बुद्धि से ही लेते हैं और लोगों के घृणा के पात्र बन जाते हैं। कुछ लोगों के पास बुद्धि होती ही नहीं है तो भी लोग उनसे इरिटेट होने लग जाते हैं कि अरे रे, ये तो बिल्कुल डफोड़ है, इसके पास तो बुद्धि है ही नहीं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि बैलेंस बना रहे, बुध आपके मजबूत रहे, इतने मजबूत रहे कि आपका प्रेजेंटेशन जहां भी हो अच्छा हो, मजबूत हो और बुद्धि से भरपूर हो। अच्छा हो मतलब भरपूर हो का मतलब ये नहीं है कि अतिशक्ति हो, है ना? इसके लिए आप एक बहुत अच्छा उपाय आपको बता रही हूँ। बुधवार के दिन घर के उत्तर दिशा में जो पान आप खाते हैं वो पान के पत्ते को लटका दें। पान का पत्ता हरा भरा हो और ऐसी जगह लटकाएं उत्तर दिशा में कि हवा उससे टकरा करके घर के अंदर प्रवेश करे। हवा उससे टकरा करके घर के अंदर प्रवेश करे। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में जबरदस्त रौनक आ जाएगी। आप देखो, जब बुध आपके कमजोर हो जाते हैं, मंगल कमजोर पड़ेंगे, आप कर्जे में डूब जाते हैं। मैंने बहुत अच्छी चीज उसके लिए बताई है, ग्रीन एवेंचुरियन। कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है या आपके पैसे किसी ने दबा लिए हैं, आपकी कोई चीज कोई चोरी करके लेके चला गया है, आप ग्रीन एवेंचुरियन ज्यादा से ज्यादा प्रमाण में घर में रखें। जो आपका है उस पर दूसरा व्यक्ति अपना हक नहीं जमा पाएगा। ग्रीन कलर में एकदम इसके अंदर लाइफ है, रौनक है। आप देखो प्रकृति का जो कलर है क्या है, ग्रीन है। इंसान हरियाली में जाता है, खुश हो जाता है, उसके दिलो दिमाग को यूं शांति मिल जाती है, है ना? और ये कलर बुध से जुड़ा हुआ है। बुधवार के दिन हरे कलर के कपड़े पहने। बुधवार के दिन दांतों के नीचे इलायची दबा करके रखें, मतलब मुंह में इलायची रखें, इलायची को चूसे, ये बहुत अच्छा उपाय है। बुधवार के दिन पान खाए। जो लोग पान खाते हैं, जिन्हें पान पसंद है, वो लोग बिना भूले बुधवार के दिन पान खाएं। और इस बार तो बुधवार के दिन रात को अष्टमी भी लग रही है। अगर आप पान का भोग इंद्रदेव को लगा देंगे तो समझिए आपकी लाइफ से गरीबी हमेशा के लिए चली जाएगी। तो बुध को मजबूत बनाने के छोटे छोटे से उपाय हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगेंगे। अच्छे लग जाएं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। जय श्री कृष्ण।